रासायनिक खतरों से निपटने की तैयारी बैठक जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गौतम गुप्ता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुआ। इस अवसर पर जिला आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा कि 6 फरवरी को रासायनिक खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल कर ग्रामवासियों को फैक्ट्रियों में हुई घटना से बचाव के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा तथा मॉक ड्रिल के आधार पर समस्त फैक्ट्रियों के ऑफ साइट प्लान को अद्यतन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र गीडा में IGL, HPCL, IOCL में रासायनिक मेजर एक्सीडेंट ज्यादा होता है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक कर दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सकता है। इस अवसर पर NDRF के डिप्टी कमांडेंट PL शर्मा, मुख्य अग्निशमन अधिकारी DK सिंह, NDRF इंस्पेक्टर गोपी गुप्ता सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। 6 तारीख को हम लोग करेंगे क्योंकि 3 तारीख, 4 तारीख और 5 तारीख को गोरखपुर में भी VIP मूवमेंट्स हैं, तो जिसके दृष्टिगत हम लोग 6 तारीख को करेंगे। और अभी एडिशनल डायरेक्टर फैक्ट्री सर का सजेशन था कि इसको थोड़ा सा अनसर्टेन टाइम रखा जाएगा, जिससे कि हम अपनी प्रिपेयरनेस को चेक कर सकें, अपने टाइमिंग्स को चेक कर सकें कि हम लोग का रिस्पॉन्स टाइम क्या रहता है। कि अगर यूजली अगर कोई डिजास्टर किसी भी फैक्ट्री में होती है तो उसमें हम लोग रिस्पॉन्स कर सकें, हो सके कि यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ चुके हैं, तो हम लोग आगे की कार्रवाई फिर उसके बाद शुरू कर देंगे। तो मैं अपने से शुरू करता हूँ। मैं गौतम गुप्ता और मैं डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर एक्सपर्ट के रूप में डिजास्टर विश्वकर्मा हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर CSE सहजनों से। विनोद कुमार SSC सेफ्टी मैकेनिकल वर्कशॉप में रेलवे बोर्ड। दिनेश कुमार WM मैकेनिकल वर्कशॉप बोर्ड। SK सिंह असिस्टेंट डायरेक्टर मैनेजर सेफ्टी। क्षेत्र है जहाँ पर हमारी ये फैक्ट्रीज हैं, यहाँ एस्टैब्लिश हैं, अगर हम लोग वहाँ पर देखें तो मेजरली अगर जो फैक्ट्रीज हैं जो हजारस वहाँ पर हैं, जिनमें हम लोगों को थोड़ा स्पेशली थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, उन सारी फैक्ट्रीज में अभी बेसिकली जो हमारा HPCL है वो एकदम रोड साइड पे है, हम सभी लोग जानते हैं, और नेशनल हाईवे से अटैच है वो, और वहाँ पर अब तक हम लोगों ने बहुत सारे ड्रिल्स भी किए हैं, ऑफ साइड ऑन साइड भी वहाँ पर हुए हैं। इसके अलावा इंडियन ग्लाइकोल है जो कि IGL हमारी जो एक यूनिट है वो भी मतलब एक तरफ HPCL है दूसरी तरफ IGL है। फिर सहाया डिस्टिलरी है सरदार नगर में, ये भी एक हमारे लिए एक हजारस फैक्ट्री है लेकिन वो थोड़ा सा आइसोलेटेड है, इस वजह से बहुत नहीं रहता। लेकिन इस समय अब जीगीडा में जो एक IOCL हमारी जो नई फैक्ट्री यहाँ पे स्टार्ट हुई है वो 3 times larger than हमारा HPCL है। तो ये जो हमारी फैक्ट्रीज हैं, इन फैक्ट्रीज में जो फैक्ट्रीज हैं ये अति संवेदनशील हैं और साथ ही साथ एक बड़े ही घने क्षेत्र में ये सभी स्थापित हैं, तो इसलिए यहाँ के फैक्ट्रीज की एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वहाँ के ऑन साइड तो ये हमेशा करते हैं, लेकिन ऑफ साइड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इश्यू है क्योंकि ऑफ साइड में हमारे वहाँ के जो नियर बाई गाँव के लोग हैं, जो वहाँ के नियर बाई जो अनदर फैक्ट्रीज में जो लोग कार्य कर रहे हैं वे ये जान सकें कि कौन से साइरन बजने से या कौन से हरकतें होती हैं, तो जिससे कि हम अपने आप को सुरक्षित कर सकें। पिछले जो विगत हम सभी लोग गोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में जानते हैं, वहां से बस यही था कि जो मैं उस पूरे प्रोसेस को रीड कर पाया था या जो उसमें सूचनाएं हम लोगों को मिल पाई थी, उसमें था कि अगर जब गैस लीक हुआ पब्लिक अगर जमीन पर लेट जाती तो बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। तो ये एक छोटा सा मतलब एक स्टेप है जिसको लोग अगर जानते तो वहां पे बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। तो इस तरीके से जो हमारी ये फैक्ट्रीज है, इन फैक्ट्रीज में हम लोगों ने सारी फैक्ट्रीज को विजिट किया है और वहां पे सेफ्टी मेजर्स नो डाउट, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि सारे सेफ्टी मेजर्स वहां पर लिए जा रहे हैं और अच्छे ढंग से लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारे अगल बगल की जो फैक्ट्रीज हैं उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं। अब जैसे अगर IOCL के पास क्या रिसोर्सेज हैं, HPCL के पास क्या रिसोर्सेज हैं, IGL के पास क्या रिसोर्सेज हैं और अनदर जो फैक्ट्रीज हैं वहां पर उनके पास कौन से रिसोर्सेज हैं, ताकि अगर ईश्वर ना करे कभी कोई हादसा होता है, जैसे भी कुछ दिन मुझे लगता 2 साल पहले ERP चप्पल में एक बार अग्निकांड की घटना घटित हुई थी और काफी मशक्कत करनी पड़ी थी और फायर डिपार्टमेंट ने उसमें दिन रात लग करके उसको आग को कंट्रोल किया था। लेकिन उसी के बगल में देखा जाए तो निमाली प्लाईवुड फैक्ट्री भी है, उसी के सामने ठीक HPCL का प्लांट है। तो इन सब चीजों की वजह से ये थोड़ा सा हजारस हो जाता है कि कभी इन फैक्ट्रीज में कहीं कोई ऐसी बात ना घटित होने पाए जिसकी वजह से वो कोई एक व्यापक रूप में जनधन की हानि हो। हजार्स हैं, उन इंडस्ट्रियल हजार्स को जाने
और उसके अस्तित्व जो हमारे पास संसाधन है उससे भी हम लोग भलीभांति परिचित हो सके। एडिशनल फैक्ट्रीज पर अभी इसमें और भी पॉइंट्स को एड ऑन करेंगे। जो हमारा ऑन साइट इमरजेंसी कमेटी है ये तो हर डिस्ट्रिक्ट में ऑलमोस्ट फंक्शनल है, वो तुरंत उस पर रिहर्सल करते हैं और एक बेटर वे में अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट लॉ एंड ऑर्डर कमेटी है, ये बेसिकली जो वहां से एसडीएम साहब आ रहे हैं, अगर कभी भी किसी भी वहां पर अगर एक कोई हादसा घटित होती है तो वहां पे लॉ एंड ऑर्डर कमेटी का जो रोल होता है वो उसको कंट्रोलिंग करती है।